हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट करने जाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे आपका हिस्ट्री का जो लेसन पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है मास मीडिया, जो कि आपका हिस्ट्री का 5वां लेसन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। ओके, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? आई होप यू ऑल गाइस आर अवेयर अबाउट द वर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। ओके, तो अगर इतिहास अगर देखा जाए तो इतिहास मतलब वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, और उस चीज़ को हम अपने प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास मीडिया। मास मीडिया, तो मास मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो गाइस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बच्चे लोग मास मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे आपने टीवी देखा, आपने न्यूज़ देखा, मास मीडिया। आपने टीवी देखा, आपने कोई फेवरेट सीरियल देख लिया, मास मीडिया। अगर मैं बात करूँ कि आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, कोई डेटा शेयर कर रहे हो, इज व्हाट? आल्सो मास मीडिया। आप फोटो खींच रहे हो, इज अ मास मीडिया। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इज अ मास मीडिया। आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, इज ऑल्सो अ मास मीडिया। क्यों? क्योंकि मास मीडिया का मीनिंग ही कुछ ऐसा है गाइस। मास मीडिया का मीनिंग ही कुछ ऐसा है। अगर मैं मास मीडिया को एक्सप्लोर करूं और उसको आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज मास मीडिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मास मीडिया को हम ये टीवी देखना, कॉलिंग करना, इस हम सब में क्यों इसको मिला रहे हैं। ओके, देखो मास मीडिया। सो अगर मैं बात करूं मास की, तो मास मतलब क्या होता है कि न्यूज़ को है वो दूर दूर तक फैलाना, दूर दूर तक वो क्या करना, फैलाना। लेकिन उस न्यूज़ को फैलाने के लिए हमारे पास कुछ मीडियम भी तो होने चाहिए। मीडियम इन द सेंस माध्यम। अगर मैं आपको मास की बात करूं, आपके पास डेटा मिल गया, आपके पास बहुत सारे डेटा मिल गए, तो आप उसको दूसरे तक पहुंचाएंगे कैसे? आपके पास कोई जरिया है? अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो न्यूज़ फटाक से व्हाट्सएप पे लिखा, टाइप किया, फॉरवर्ड किया, सेंड हो गया, कॉलिंग किया, बता दिया, हो गया, मीडिया वाले पहुंचे, न्यूज़ रिकॉर्ड किया, सेंड किया, मिल गया। लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, पहले के ज़माने में, तो पहले के ज़माने में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि आप या तो कॉल करके बता दो या तो फिर आप मैसेज करके बता दो, वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। तो पहले के ज़माने में जब एक न्यूज़ दूसरे जन तक पहुँचाना होता था तो क्या होता था, या तो कबूतर का यूज़ करते थे, या तो चील का यूज़ करते थे, या तो वहाँ से कोई एक आदमी आता था जो कि एक दो महीने बाद लेटर पोस्ट से लेके आता था, जिससे हमको पता चलता था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन अब का जनरेशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ओके, तो मास मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर आते हैं, और उसका मतलब क्या है, वो कब अमेंडमेंट में आया, कब वो चेंजेस हुए, कहाँ से उसने अपना ग्रो किया, मतलब कहाँ से वो चालू हुआ, तो ये सारी चीज़ें अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो गाइस, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया में हमने देखा कि मास कहाँ से आया और मीडिया कहाँ से आया। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो मास मीडिया का पूरा मतलब हमने किसमें देखा, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये भी बताया कि पहले के ज़माने में जो न्यूज़ होते थे वो राजा क्या करता था, अपने सैनिकों से बोल देता था, वो क्या करते थे, बाहर ढोल ले जाके बजा बजा के अपनी सारी प्रजा को क्या करते थे, वो न्यूज़ सुनाते थे। सो अब के ज़माने में क्या ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग जाएगा कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कोई नहीं सुनाई देता कि बैंड बजा के कोई किसी को सुनाए, नहीं ऐसा नहीं होता ना। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अब ये ऑकवर्ड हो गया। पुराने के ज़माने की जो प्रथा थी वो अब के ज़माने में क्या हो चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, राइट गाइस? ये मास मीडिया कैसे आया, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मास मीडिया के आने का जरिया ब्रिटिश है, तो क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में थे तो उन्होंने न्यूज़ को स्प्रेड करने का जो जरिया निकाला था वो था न्यूज़पेपर। वो क्या करते थे, उनका जितना भी लेटेस्ट अपडेट रहता था वो एक न्यूज़पेपर में डाल देते थे और वो प्रसार के जरिए पूरे देश में क्या किया जाता था, फैला दिया जाता था, सबके पास वो न्यूज़पेपर पहुंच जाता था, और जिससे क्या होता था, सब लोग उस न्यूज़ को क्या करते थे, पता करने लगते थे। सो इसी कंटेंट को कंटिन्यू रखते हुए मैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा न्यूज़पेपर, जो कि हमारा मास मीडिया का पहला टॉपिक है, टॉपिक न्यूज़पेपर।
सो गाइस, न्यूज़पेपर, मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है, बिकॉज यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द न्यूज़पेपर। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि न्यूज़पेपर में क्या आता है। आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर उठाया? बेसिकली 9th 10th के बच्चे, आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा उठाता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है बताइए। अगर आप न्यूज़पेपर ने आपने ओपन किया तो आपको वहां पे क्या मिला? देखो, फ्रंट पेज पे आपको एकदम बड़ा सा कुछ तो मस्त एक हीरोइन का फोटो छपा हुआ मिल जाता है। क्या रहता है वो? एडवर्टाइजमेंट। वहां पे एक बड़ी सी रिस्ट वॉच छपी रहती है जिसका कॉस्ट कुछ बहुत ही हाई रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो फर्स्ट पेज जो होता है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है। अगर आप अंदर घुसेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे, आपका मार्केट इकोनॉमी कहाँ चल रहा है, आपका पॉलिटिशियन कैसे चल रहे हैं, अगर कोई नई कंपनी अडॉप्ट हुई है तो वो जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए उसके अंदर अपना आर्टिकल डालती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको न्यूज़पेपर में क्या होती है, मिलती है। तो अगर बात करेंगे न्यूज़पेपर की, तो बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर सारे न्यूज़ होते हैं, डेली अपडेट्स होते हैं। डेली के अपडेट जितने भी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो वेरियस जगह पे जा जाके क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। उस कलेक्टेड डेटा को वो एक जगह पे पूरा स्टोर करते हैं और उसको रिटर्न फॉर्मेट में वो जिस पेपर में उतार के हम लोग तक अराइव कर देते हैं, उस चीज को बोलते हैं न्यूज़ पेपर। सेकेंड टॉपिक, प्रिक्यूजर ऑफ न्यूज़ पेपर। देखो, प्रिक्यूजर ऑफ न्यूज़ पेपर में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के दोनों के बीच में न्यूज़पेपर या फिर जो न्यूज़ है वो कैसे एक दूसरे तक क्या किए जाते थे, पहुंचाए जाते थे। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल पीरियड की, जो कि 1880s के ज़माने की अगर मैं बात करूं, तो उस ज़माने में जो न्यूज़ होते थे वो कैसे पहुंचाए जाते थे गाइस? सम्राट अशोका के टाइम पे एक डेली एक्टा नाम का एक न्यूज़पेपर होता था, डेली एक्टा। वो न्यूज़पेपर में क्या करते थे? उस देश में और उस देश की राजधानी में जितने भी न्यूज़ है, मतलब जितने भी अभी प्रेजेंट में हुई घटनाएं हैं, वो सारे को क्या करते थे? उस न्यूज़पेपर में क्या लिखते थे? लिख देते थे। और उसी न्यूज़ को क्या किया जाता था? धीरे 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 लोगों को तक क्या किया जाता था? पहुंचाया जाता था। और ट्रेडिशनल जमाने में कोई भी न्यूज़ जब राजा के मुख से निकली, मतलब अगर मैं बोलूँ कि राजा ने ये बात बोली और ये बात यहाँ के सारे लोगों तक हमको क्या करनी है, पहुँचानी है, तो राजा ने वो जो बात बोली वो बात को एक न्यूज़पेपर में लिखा जाता था, और उसी न्यूज़पेपर को क्या किया जाता था? पूरे देश में स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था, जिससे राजा की वो पूरी बात क्या हो जाती थी? पूरे प्रजा तक पहुंच जाती थी। ओके गाइस, तो इसमें जो मेन कंटेंट है याद रखने वाला कि ये कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल पीरियड की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न कॉमन एरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मॉडर्न पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, ट्रेडिशनल पीरियड की बात कर रहा हूँ, और वो भी अशोक सम्राट के टाइम की, जिसमें डेली एक्टा नाम का क्या होता था? न्यूज़पेपर। सो गाइस, प्रिक्यूजर ऑफ न्यूज़पेपर के बाद हम जानेंगे कि और भी न्यूज़पेपर मार्केट में आए थे, जिसमें से सबसे पहले जो न्यूज़पेपर मार्केट में आया था वो था बंगाल गैजेट, उसके बाद जो न्यूज़पेपर आया था वो था दर्पण, उसके बाद तीसरे नंबर पे है ज्ञानोदय, चौथे नंबर पे प्रभाकर, और पांचवें नंबर पे केसरी एंड मराठा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मार्केट में मैगजीन और जनरल बुक्स भी प्रोवाइड होती थी, राइट? मैगजीन और जनरल बुक। तो कैन यू गाइस टेल मी कि मैगजीन और जनरल बुक में क्या होता है? मैगजीन में क्या होता है? जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, उन्होंने अपने जो जो डेटा दिए हुए हैं वो सारे डेटा उसमें क्या होते थे? एक बुक फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसमें क्या होते थे? लिखे रहते थे। जनरल भी, जनरल इज जस्ट लाइक अ सेम मैगजीन, और उसमें भी हमको सारे वही इंडस्ट्री के डेटा, मार्केट इकोनॉमी कैसा चल रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, तो उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना जनरल बना लिया और वो जनरल पूरे मार्केट में प्रोवाइड किया कि उस कंपनी का स्टेटस अब तक के करंट ईयर में कैसा है। ओके, सो दूसरी चीज, इसके बाद जो मार्केट में एस्टेब्लिश हुआ वो था रेडियो। रेडियो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मास मीडिया, क्योंकि जब न्यूज़पेपर नहीं था, जब लेटर नहीं थे, तब हमारे पास रेडियो का शायद सिस्टम हमारे पास था, और रेडियो के आने के बाद हमको जो भी सूचनाएं रहती थी वो हमको रेडियो के चैनल्स पे क्या होती थी? प्रोवाइड होती थी, और उस रेडियो के चैनल के जरिए हमको आसपास के न्यूज़ मिलते थे। कैसे? आपके ऊपर के डिटेल में आप देखेंगे रेडियो कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सा सन में हुआ, और किस जरिए से ये रेडियो क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ। अब अगले के टॉपिक में अगर हम बात करें, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, टेलीविजन।
टेलीविजन देखिए, मैं जैसा कि आप लोग को बता रहा हूँ कि उस सारी चीज़ की डिटेल यहाँ पे ऊपर दी जा रही है कि वो कब स्टेब्लिश हुआ, तो मैं वो डेट या फिर डे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि वो कब हुआ था, वो आपको ऊपर लिख के आ रहा है, यू गाइस कैन सी देयर। ओके, डेट वाइज सन लिखा हुआ है, कौन से ईयर में आया था वो भी वहां पे क्या हुआ है प्रोवाइड हुआ है। मैं बस खाली टॉपिक टू टॉपिक आपको लेके जा रहा हूँ। सो अनदर टॉपिक इज अवर टेलीविजन। टेलीविजन की अगर मैं बात करूँ तो टेलीविजन के बारे में शायद आप सब बच्चे जानते हैं, राइट। टेलीविजन क्या गाइस, टेलीविजन के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो टेलीविजन पे हमको हर वो चीज मिलती है, हमको वहां पे सीरियल्स देखने मिलते हैं, न्यूज देखने मिलता है, इवन क्या अपडेट आ रहा है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, वो सब भी हमको वहां पे देखने मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं छोटे बच्चों लोग की बात करूँ तो छोटे बच्चे उसमें कार्टून्स देखते हैं, बड़े लोगों की बात करूँ तो न्यूज़ देखते हैं उसके अंदर। अगर मैं मिडिल एज वालों की बात करूँ तो मिडिल एज के बच्चे उसमें क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वो लोग पिक्चर्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। आई थिंक हम सबको ये पता है, अगर मैं बात करूँ लेडीज लोगों की तो वो तो आई गेस दिन भर वो टीवी में ही लगी रहती है कि नहीं, कि उनके बहुत सारे सीरियल, सास बहू के सीरियल, ये सीरियल वो सीरियल, सारे सीरियल उसके अंदर क्या होते थे, आते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा टेलीविजन था, वो धीरे धीरे न्यूज़पेपर के बाद रेडियो, रेडियो रेडियो के बाद न्यूज़पेपर, ये सब मार्केट में क्या होते गए, अमेंड होते गए, ये सब धीरे धीरे क्या होते गए, आते गए। ओके, अब गाइस मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है कि व्हाई वी नीड मास मीडिया, कि मास मीडिया की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। कैन यू गाइस टेल मी कि मास मीडिया का एक्चुअल जरूरत क्यों पड़ता है हमको। आई गेस मैंने जैसा कि आप लोग को पहले बताया, मास मीडिया से हमको हर वो न्यूज पता चलती है, डेली अपडेट पता चलता है। इतना ही नहीं, अगर हमको कोई डेटा शेयर करना है किसी से कि अब के करंट अफेयर में ये 25,000 है, ये डेट 36,000 है, 37,000 है, इसका कुछ भी अपडेट है, तो हम क्या करते हैं मास मीडिया में उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मालूम है कि मास मीडिया का और क्या यूज है और हम किस किस कंडीशन पे किस किस चीज के लिए मास मीडिया को यूज करते हैं, तो यू गाइस कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, जिसके साथ हम अपना मास मीडिया का चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे। फर्दर डिटेल या फिर कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा, यू गाइस कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू गाइस कैन कमेंट ऑन बिलो कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक।